अब आप सुनिए, अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाली हूं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक अक्यूज्ड ने कुछ दिन पहले कोर्ट में एप्लीकेशन डाली और कहा कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, तो क्या हुआ? उन्होंने एप्लीकेशन क्यों डाली? क्योंकि उनका, जो ये अक्यूज्ड थे, एक सरकारी गवाह से ईडी में आमना सामना करवाया गया। उस आमने सामने में सवाल जवाब हुए, स्टेटमेंट्स दी गई, अक्यूज्ड द्वारा दी गई, सरकारी गवाह द्वारा दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुई। लेकिन जब वो स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई गई, तो अक्यूज्ड ने देखा कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागज पर आई है, वो दोनों अलग अलग हैं। और इसीलिए इस केस के उस अक्यूज्ड ने सीसीटीवी फुटेज के लिए एप्लीकेशन डाली। और आपको पता है, जब ईडी ने वो फुटेज दी, तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई, और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। और ना सिर्फ उस एक मैटर में, आम आदमी पार्टी के पास विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर है कि जब से ये एक्साइज पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पिछले 1.5 साल की सारी इंटेरोगेशन, सारे सवाल जवाब जो हुए हैं ईडी में, सबकी ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। ये क्या दिखाता है कि जो एक तो रिकवरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिला, और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती, तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी?